अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, ये वीडियो मैं बना रही हूँ मेहंदी ड्रेस डिज़ाइनिंग की, कि मेहंदी में आप किस तरह के ड्रेस डिज़ाइनिंग कर सकते हो। और बेसिकली ये ड्रेसेस जो हैं वो नॉर्मली भी कैजुअल ड्रेसेस में, फॉर्मल ड्रेसेस में भी काम आ सकते हैं। जिसके अब ये वाला आप फैब्रिक, सबसे पहले हम इस ड्रेस की बात करेंगे। ये वाला जो ड्रेस है ये हमने सिलवाई थी पिशवास, शॉर्ट पिशवास जो आजकल चल रही है, आजकल लॉन्ग चल रही है, लेकिन ये हमने सिलवाई थी शॉर्ट। देखेंगे इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं है और ये बहुत अच्छी सी घेर वाली थी। ये कपड़ा जो था ये था जामावार कपड़ा, लॉन जामावार कपड़ा। आजकल ये बहुत इन हुआ है बाज़ार में, मार्केट में आपको सब जगह आसानी से मिलेगा। और इस पर हमने डिटेलिंग करवाई थी, ये शीशे की बेल लगवा कर डिटेलिंग करवाई थी, देख सकते हैं आप। और ये बेल जो लगी थी ये हाथ से लगी थी, स्टिच नहीं हो सकती। और बाकी हमने ये गोटे की बेल लगवा कर डिटेलिंग करवाई थी इसकी। हमने इसको बिल्कुल पिशवाद स्टाइल ही बनवाया था। और इसमें पीछे भी हमने यहाँ बेल लगवाई थी क्योंकि पिशवास फ्रॉक थी शॉर्ट। और इसके साथ हमने बनवाया था, आप इसके साथ आप कैरी कर सकते हैं कोई भी बनारसी घाघरा और या बनारसी गरारा, कोई से भी कलर का। मोस्टली इसके साथ ऑरेंज अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, ऑरेंज बिल्कुल इन्हांस होता है। ये जो कपड़ा हमें बैठा था जामावार का शर्ट का पीस, शर्ट पीस जो पूरा बैठा था 650 रुपये का बैठा था। और इसकी जो लेसेस थी ये 400-500 तक की आई थी, क्योंकि जो शीशे की लेस है इसकी कॉस्ट थोड़ी सी इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है। और बाकी इसकी स्टिचिंग गई थी 1000, तो ये तकरीबन 2200-2500 तक की जो है हमारी पूरी शर्ट रेडी हो गई थी। सेकेंड सूट है हमारा यहाँ पर। और ये जो शर्ट हमने 2 पीस लिया था, शर्ट और दुपट्टा साथ में लिया था, शलवार का कपड़ा जो हमने अलग से खरीदा था। इसके अंदर हमने डिटेलिंग कुछ इस तरह करवाई थी, यहाँ पे बेल इस तरह की मिल रही है, गोटे मतलब कहीं पर भी मिल जाएगी, गोटे के साथ फ्रिल वाली, देखें इस तरह की फ्रिल वाली बेल है ये। ये हमने यहाँ लगवाई थी, डिटेलिंग कर गला बनवाया था और उसमें इस तरह की डोरी लगवाई थी, क्योंकि बहुत सिंपल सूट हो जाता है अगर हम आइए मेहंदी के लिहाज से बनाते, तो इसलिए हम इसको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करवा के उसको अच्छा लुक देना था, ताकि ये फॉर्मली भी वेयर किया जाए और कैजुअली भी वेयर किया जाए। ना इतना हैवी था, ना इतना हैवी है और ना इतना ये लाइट है कि आप कहीं जाने में भी नहीं पहन सकते। और इसके स्लीव्स की डिटेलिंग बहुत खूबसूरत करवाई थी हमने, हमने कुछ इस तरह करवाई थी कि जो धनक है हमने इस तरह, देखें आप कितनी खूबसूरत लग रही है, धनक को हमने इस तरह आड़ी आड़ी करके लगवाए थे, 4-4, 5-5 इंच के गैप से 1, 2, 3 और ये तीसरी लाइन लगी थी। उसके बाद हमने यहाँ पर ये बॉर्डर का कपड़ा हमने अलग से ख़रीदा था। और इसके अंदर भी हमने ये स्लीव्स में इस तरह की फ्रिल वाली गोटा लगवाया था। और यहाँ पे ऊपर हमने ये धनक लगवाई थी। और दामन में भी हमने इसी तरह का ये करवाया था, दामन में हमने सिर्फ बॉर्डर लगवाया आगे पीछे दामन में। और इसमें यहाँ आउटलाइन बनवाई थी धनक की और यहाँ बेल लगवाई थी। इसके जो है बेसिकली सबसे ज़्यादा खूबसूरत स्लीव्स ही लग रही थी और स्लीव से बहुत प्यारा लुक आ रहा था। अगर आप लोग भी कभी कोई कैजुअल ड्रेस या फॉर्मल ड्रेस बनवाएं या ऐसा ड्रेस बनवाएं कि आप वो कैजुअली भी वेयर कर सकें, फॉर्मली भी वेयर कर सकें, सेमी फॉर्मल में बहुत अच्छा लगता है। और शलवार में हमने इसकी डिटेलिंग करवाई थी थोड़ी सी पाइचों में इस तरह की, बहुत खूबसूरत लुक आ रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमने ये कपड़ा जो है बिल्कुल ये अलग से ख़रीदा है, लग रहा था हम कि इसके साथ ही बॉर्डर हमने एप्लिक के तौर पर, जिस तरह हमने माइयो के सूट में एप्लिक लगवाई थी, ये इसी वाला वही वाला फैब्रिक है, क्रैप लॉन का फैब्रिक है ये। और इसको दुपट्टे को हमने बिल्कुल सादा रखा था, दुपट्टे में कोई डिटेलिंग नहीं करवाई थी क्योंकि दुपट्टा ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है। इसका पूरा जामावार का दुपट्टा है, ये देख सकते हैं आप, पूरे जामावार का दुपट्टा है। और इसके यहाँ पे इस तरह की झालरें आ रही हैं जिसे बनारसी दुपट्टे में होता है। आई होप कि आपको हमारी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो पसंद आई होगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।